हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी यूनिट 8 इंग्लिश द लिटिल बुली. सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी. ऑल्दो ही वाजंट वेरी बिग ही वाज स्ट्रांग एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम. अब एक बार की बात है, एक लड़के का नाम हरी है. उसको मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था. उसके साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी उसके साथ स्कूल जाते थे उनको भी वो बहुत परेशान करता था. व्हाट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच. ही कुड मेक अ बिग ब्रश अपीयर इन हाफ अ सेकंड. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज prickling people with a pin. अब उसकी आदत थी सबको परेशान करना, पिन लेकर लोगों को मारना, मतलब गर्ल्स बॉयज़ जो इसके साथ जाते थे, इसके फ्रेंड्स थे, चूटियाँ भरना और ऐसे सब करना ताकि वो लोग उससे डरे. So you can guess how all the children hated him. अभी आप ये सोच ही सकते हो कि दूसरे लोग जो थे वो कितना उसको हेट करते थे, उससे कितना नफरत करते थे. दे ट्राइड पिचिंग हिम बैक. वो वापस से दूसरे लोग भी इसे चूटियाँ भरते थे, बट दैट वॉज नॉट गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. बट अपन जैसे ही उसको चूटी भरे उससे ज़्यादा ज़ोरदार चूटी वो भरता था. दे डिडेंट लाइक टेलिंग देयर टीचर्स because that was telling lies. वो लोग अपनी टीचर को भी नहीं बोलते थे because जो हरी था वो झूठ भी बोल देता था. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अभी एक दिन सब क्लास वाले पिकनिक जा रहे थे सी साइड पर और सब चिल्ड्रंस जो थे, सब बच्चे थे, वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे जाने के लिए. ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. अब सब चिल्ड्रन बहुत खुश हो गए और मौसम भी बहुत अच्छा था और सब जने बैठ गए ट्रेन में जो, और कोई भी रेडी नहीं था हरी के बाजू में बैठने के लिए बिकॉज़ वो हमेशा पिंच करता था दूसरों को. व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड आउट जंप्ड ऑल दिस चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय. अब जैसे ही वो सी साइड के यहाँ पे पहुँचे सब चिल्ड्रन बहुत खुश हो गए और जो जो से चिल्लाने लगे. डाउन टू द सैंड्स दे रेज्ड हैंड इन हैंड बट नोबडी टुक हरीज हैंड नोबडी वेंट नियर हिम. अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे उतरे सब जने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग आगे जाने लगे बट किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. हरी वॉज एंग्री. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ. अब वो उसको बहुत गुस्सा आया एंड वो सैंडी पूल जो रॉकी पूल था उसके पास में जाके वो चुपचाप बैठ गया अपने हिसाब से. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट. उसने अपना लंच निकाला और उसने अपने लंच को देखा. इट वॉज अ गुड लंच. वो बहुत अच्छा लंच लेकर आया था, नाश्ता बहुत अच्छा लेकर आया था. देयर वर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स सिक्स जैम सैंडविचेस थ्री पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट. वो इतना सब लंच में लेकर गया था. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ. वो ये सब अकेला ही खाने वाला था. ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. वो किसी को ऑफर नहीं करता है कि लो आप भी खाओ. वो अपना खाना किसी से भी शेयर नहीं करता है. ये सब अकेला ही वो खाने वाला था. कौन? हरी. जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ हॉर्न
वॉइस नियर हिम. गुड मॉर्निंग, आई एम सो ब्लेस्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू. हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट. वट एवर डू यू थिंक ही सॉ. अब जैसे ही हरी ने अपना लंच खोला, एग खाने लगा और उसके पास में से आवाज़ आई गुड मॉर्निंग, और वो उसने टर्न होके देखा कि ये कौन है, किसने मेरे से बात की. हरी सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल. अब पूल में से वो वॉकिंग क्रैब जो मॉन्स्टर क्रैब जो था वो पूल में से बाहर निकला. हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टिक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वाइट. अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में कैसा वो दिख रहा है. ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंचर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय यील्ड. अब क्रैब ने उसको जोर से काटा, ठीक है, और हरी जैसे ही उससे हाथ मिलाने गया तो क्रैब ने क्या किया, उसको जोर से काटा और हरी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसे बोलने लगा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, उससे गिड़गिड़ाने लगा. देयर इज माई गुड कॉजन सेड द क्रैब प्लेजेंटली एंड टू हरी हॉर्ना ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल. अब उसने देखा कि जो उसका कज़िन था, क्रैब का जो कज़िन था, वो भी पूल में से बाहर निकल रहा था. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी यील्ड इन पेन. वापस से उसने भी उसके हरी के हाथ पे जोर से काटा एंड हरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है. देन ही स्टार्टेड एट द पूल इन सरप्राइज फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर एंड द प्रिकल्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विथ देयर पिंजिंग. अब और भी दूसरे इंसेक्ट्स उस पानी में से निकल के आए, क्रैब्स निकल के आए, और भी लॉबस्टर्स निकल के आए, और भी दूसरे इंसेक्ट्स निकल के आए, उन सब ने उसको मिल के बहुत जोर से काटा. डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. अब सब ने जो क्रिएचर्स जिसने हरी को काटा उन सब ने पूछा कि आपको ये अच्छा लगा. वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी यू बिकॉज यू वर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर यू योर सेल्फ कम कम ज्वाइन इन द फन. हरी लैप्ड टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. His lunch rolled into the pool and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. Up हरी वहाँ से भागने लगा तो जैसे ही वो उठ के भाग रहा था तो उसका लंच बॉक्स क्या हुआ, वहाँ से गिर के पूल के साइड चला गया. एंड ये सब इंसेक्ट्स जो थे वो लोग जाके उस पूल के यहाँ पे जाके हरी का लंच खाने लगे थे. और हरी ने देखा कि ये लोग तो मेरे को बुला भी नहीं रहे हैं मेरा लंच. एंड वो रो रहा था, रोते रोते उसके जो टीयर्स आंसू थे उसके चिन तक गिरने लगे They only did to me that I keep doing to the, he thought. अब उसने क्या सोचा कि
शायद इन्होंने मेरे साथ वो ही किया है जैसा मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। बट हाउ इट हर्ट, बट कितना ख़राब लगता है। एंड हाउ आई हेटेड दोस क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। और जैसे दूसरे फ्रेंड्स जो मेरे को इतना हर्ट करते हैं, वो लोग मेरे से इतना दुखी रहते हैं, वैसे ही मेरे को भी बहुत हर्ट हुआ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। अब मुझे लगता है कि जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स हैं, दूसरे चिल्ड्रन से, वो भी मुझसे नफरत करते हैं। वेल आई जॉली वेल शान पिंच और प्रिक एनी मो। अब उसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, ना किसी को चूटी भरूँगा, ना किसी को पिंच वगैरह पिंच करूँगा, मैं अभी अच्छा बच्चा बन के ही दिखाऊँगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, एंड आपको इसमें से ये भी समझ में आया होगा कि किसी को भी अपन को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपन को अच्छा लगता है किसी को मारना, लेकिन दूसरों को अच्छा लगता होगा कि वो मार खाए आपकी? नहीं। अब देखो, हरी को उस बच्चों ने नहीं मारा, हरी जिनको मारता था उन बच्चों ने हरी को नहीं मारा, बट किसी और ने आके उन बच्चों का हरी से बदला ले लिया। यस और नो? यस। सो वी एंड अप आवर टुडेज सेशन हियर ओनली। सो थैंक यू।